पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अलग अलग समय में न जाने कितने ऐसे प्रयास किए गए जिससे देश को जल्द से जल्द पूर्ण साक्षर देशों की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में एक ऐसा प्रयास किया गया जिससे नव साक्षरों का साक्षरता के प्रति नजरिया ही बदल गया। रायबरेली जिले के जायस में प्रेरक फयाज ने एक ऐसी पहल की जो पूरे जिले में आज चर्चा का विषय है, और यही वजह है कि निचले तबके के वो लोग जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं रहा है मगर आज ये लोग साक्षरता केंद्रों पर जाकर साक्षर हो रहे हैं। लेकिन ये कौन सी पहल है जिसके कारण निरक्षरों में इतनी रुचि पैदा हो गई है और हर निरक्षर साक्षर होने को ललायत दिख रहा है? मगर उसके लिए हमें चलना होगा जायस और जानना होगा कि क्या है ये नया कदम। संपूर्ण साक्षरता के अंतर्गत पूरे देश में निरक्षरों को साक्षर करने की कवायद शुरू की गई थी। उसके बाद वक्त वक्त पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आगाज किया जाता रहा। जिला रायबरेली में भी साक्षरता कार्यक्रमों को लगातार चलाया जाता रहा। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम जिले में बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। जायस में सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत न जाने कितने ही केंद्रों को शुरू किया गया। पूरे जायस की आबादी और आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होगा कि ज्यादातर लोग निरक्षर हैं। इनके निरक्षर होने के अपने अलग अलग कारण हैं। जी, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे दादी लोग ने हमको निकाल दिया था। हमारे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग को पढ़ा सके, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए। इसी के चलते यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कई केंद्रों को शुरू कर नव साक्षरों को साक्षरता केंद्र पर लाने के प्रयास किए गए। धीरे धीरे इन केंद्रों पर नव साक्षरों की भीड़ सी उमड़ पड़ी और आज भी ये सिलसिला जारी है। साक्षरता केंद्र पर आने वाले सभी निरक्षर गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और उसी गरीबी की बदौलत ये लोग पढ़ नहीं सके। हर बच्चे के चेहरे की शिकन बयां करती है कि वो किस गरीबी और तंगहाली में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। हर बच्चे की आंखों में हजारों ख्वाब नजर आते हैं। ये लोग कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तो चाहते हैं, मगर अभी तलाश उस पहली सीढ़ी की थी जिस पर पहला कदम बढ़ाकर कामयाबी की तरफ ये लोग बढ़ सकें। मैंने सर्व शिक्षा केंद्र पे मम्मी से कहा यहाँ एडमिशन करा दो, पहले उन्होंने हिचकिचाया कि मैं यहाँ एडमिशन नहीं कराऊंगी, और फिर सर जी लोग, मेरे सर जी और घर के गार्जियन से बात किए, मैं मम्मी से बात किए तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम एडमिशन करा देंगे। आज पढ़ते पढ़ते हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। हर तरह के तौर तरीके से अनजान थे लेकिन अब जानने लगे हैं। इन केंद्रों ने इन्हीं निरक्षरों के ख्वाब सच में बदलने की हिम्मत देने की कोशिश की है। आज हर केंद्र पर संख्या से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें हर उम्र के बच्चे बड़े शामिल हैं और एक साथ पढ़कर ये अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश में लगे हैं। मगर इसी में एक ऐसी कोशिश की गई जिसने शिक्षित हो रहे नव साक्षरों में एक अलग स्फूर्ति सी भर दी। ये कोशिश की जायस के ही रहने वाले फयाज अहमद ने। इन्होंने जब साक्षरता केंद्र का संचालन करना शुरू किया तब निरक्षरों को शिक्षित करने का माध्यम चुना कंप्यूटर को। अपने स्वयं के खर्चे से इन्होंने अपने घर में कंप्यूटर लगाया और जिला साक्षरता समिति के सचिव दिग्विजय सिंह ने इन्हें हिंदी का सॉफ्टवेयर मुहैया कराया। मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ और इसको ले जाकर चलाइए, हिंदी का और उर्दू का सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये जो लाभार्थी हैं इनको जो है पहले आप जितने लोगों को आपने पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद इन लोगों को आप कंप्यूटर का भी ज्ञान दो, तो उनको मैं उनमें से मैंने 17 से 20 लोगों को छाटा बच्चियों को। उसके बाद जैसे सहनाज है, अंजू हैं, माया वगैरह हैं और बहुत से बच्चे हैं, उनको मैंने वो किया। वो करने के बाद ये सब शार्प, मतलब इनको कुछ दिन तो काफ़ी दिक्कत आई क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था, तो इन लोगों को पहले फिर इंग्लिश मैंने थोड़ी सी सिखाई। और निरक्षरों को शिक्षित करने का ये सिलसिला एक नई तकनीक से शुरू किया गया।
कंप्यूटर पर पढ़ने की नव साक्षरों में अलग ही रुचि थी। साक्षरता केंद्र से शिक्षित हो रही एक ऐसी ही लड़की थी शहनाज। पिता का साया सिर से उठ जाने और परिवार बड़ा होने की वजह से वो पढ़ नहीं सकी। उसी के साथ एक और लड़की अंजू, जो ऐसे ही परिवार से ताल्लुक रखती थी, अपने पास के केंद्र पर साक्षर हो रही थी। दोनों लड़कियां पढ़ने में बाकी साक्षर हो रही लड़कियों और महिलाओं से कहीं आगे थीं। अब ये लोग सही से पढ़ना लिखना सीख चुके थे और उसके बाद दोनों ने कंप्यूटर से शिक्षा लेनी शुरू की। कंप्यूटर से पढ़ने का एक अलग मजा था। आज उस तबके के ये निरक्षर साक्षर हो रहे थे जो बचपन में कभी भर पेट खाना भी नहीं खा सके थे। पढ़ना तो इनके लिए एक ख्वाब सा था। किसी को वक्त के नाजुक हालातों ने नहीं पढ़ने दिया था तो किसी को इनकी गरीबी ने। मगर आज ये कंप्यूटर जैसी तकनीक के साथ साक्षर हो रहे हैं। इनके लिए ये कोई सपने के सच होने के बराबर ही है। कंप्यूटर में ही हिंदी का सॉफ्टवेयर लगा है जो चलाने पर आवाज के साथ साथ अक्षर की तस्वीर भी उभारता है, जिसे देखकर पढ़ने में भी बड़ी आसानी रहती है। इसका श्रेय बहुत हद तक यहाँ के प्रेरक फयाज अहमद को भी जाता है, जो बड़ी मेहनत से इन लोगों को पढ़ाते हैं। शहनाज आज इन्हीं कक्षाओं में पढ़कर बहुत आगे निकल चुकी है और नए आने वाले निरक्षरों को वो पढ़ा रही है। उसके साथ ही अंजू भी अपनी लगन और मेहनत से इन कक्षाओं में आकर साक्षर हो रही है। शहनाज के हालात ऐसे हैं कि सुकून से दो वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत, और अंजू भी इससे दूर नहीं है। उसके घर के हालात भी ऐसे ही हैं। मगर आज ये लोग अपने पढ़ने की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, वो भी एक नए तरीके से। ये माँ बहुत कुछ जान गए, अच्छा नहीं पहचानते थे, काफी अच्छा पहचानने लगे, कुछ पढ़ लेने भी लगे। जब हम लोग काफी तैयार हो गए तो हम लोग को कंप्यूटर में भी लिया गया, तो वहाँ उन्हें सर भी बताया, ABCD नहीं आती थी, वो भी बताया कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है, तब हम लोग को काफी ज्ञान हो गया। ये लोग आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। न जाने कितने ही निरक्षर इन साक्षरता केंद्रों से साक्षर होकर अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव ला चुके हैं। ये लोग मान चुके हैं कि यदि आम लोग साक्षर होंगे तो दुनिया की इस भीड़ में रहते हुए भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं। और आज ये लोग इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई रफ्तार दे सकें। उनके अंदर एक चेंजेस ये हुई कि उनको बात करने का एक तरीका मिल गया, बोलने का तरीका मिल गया, और प्लस जो है ये कहीं जाते हैं अगर तो, इससे पहले था ये जाते थे कहीं कुछ लिखा रहता है बोर्ड पर, बैंक में गए तो किसी से कहते थे फॉर्म भर दीजिए मेरा, अब वो खुद अपने हाथ से फॉर्म भर लेने लगे हैं बैंक में, कोई इनके साथ चीट नहीं कर सकता है। इन लोगों ने अच्छा, मतलब इन लोगों के अंदर भी एक जील आ गई है पढ़ने की। इन लोगों से ही सीख लेते हुए न जाने कितनी ही निरक्षर लड़कियां और महिलाएं इन केंद्रों पर अपना नामांकन करा साक्षर होने की कोशिश में लगी हैं। साक्षर करने का ये तरीका आज अपने आप में इस क्षेत्र में मिसाल बन गया है, जहां कंप्यूटर से निरक्षर साक्षर हो रहे हैं। शहनाज और अंजू ने अपने आप को साबित कर हालातों पर फतेह हासिल कर ली है और अभी बहुत कुछ इन्हें फतेह करना बाकी है। अगर साक्षरता कक्षाएं यूं ही नए नए तरीके और पूर्ण समर्पण से चलती रहीं, तो किसी भी घर का बच्चा निरक्षर नहीं होगा, किसी आंगन की महिला अनपढ़ नहीं होगी और न ही कोई पुरुष अनपढ़ होगा। कंप्यूटर जैसी आधुनिक चीजों के माध्यम से आज ये लोग साक्षर हो रहे हैं, जो बचपन में स्कूल भी नहीं देख सके थे। कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षित करने से आज निरक्षरों की सोच में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। जहां शहनाज और अंजू जैसी गरीब तबके की लड़कियां साक्षर हो रही हैं, ये एक सपने के सच होने जैसा ही है। ऐसा ही एक सपना सच कर दिखाया जिला पलामू झारखंड के एक छोटे से गाँव कोनवई पांकी के उमेश कुमार सिंह ने। इन साक्षरता कार्यक्रमों से इस इंसान ने अपने गांव के हर वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसा काम किया जिसके चलते गांव के मजदूर वर्ग के लोग जागरूक हो चुके हैं। झारखंड भी नक्सल प्रभावी राज्यों में गिना जाता है। इसके अलावा इसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आज उमेश जैसे लोग साक्षरता से जुड़कर स्वयं भी साक्षर हो रहे हैं और निरक्षरों को साक्षर करने के मकसद में भी लगे हुए हैं। मगर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, उमेश कुमार ने कैसे अपना सफर शुरू किया और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया, चलिए जानते हैं। अगर दिल में कोई जज्बा हो तो एक जर्रा भी बुलंदी पर पहुंच सकता है, मगर शर्त यही है कि दिल में कुछ करने की हसरत होनी चाहिए, एक गहरा एहसास होना चाहिए। अगर यह है तो मंजिल मिल ही जाती है, फिर चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो।
ऐसी ही एक कठिन मंजिल का सफर तय किया एक ऐसे इंसान ने जो एक छोटे से गांव का बाशिंदा है, जो हर रोज अपने गांव के निरक्षर और अनपढ़ लोगों का दुख दर्द देखता तो था मगर कुछ कर नहीं पाता था। ग्राम कोईवाई पाकी, जिला पलामू, झारखंड के उमेश कुमार सिंह अपनी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजार रहे थे। गांव के ज्यादातर लोग निरक्षर होने की वजह से न कहीं जा सकते थे, न कोई काम कर सकते थे। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी स्कीम के बारे में उन्हें न तो मालूम था और न ही वो साफ सफाई के बारे में जानते थे। अपने अधिकार क्या होते हैं शायद इन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। इस सब की वजह एक ही थी, इनकी निरक्षरता। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर लोगों का सर्वेक्षण करने का काम पंचायत साक्षरता समिति द्वारा उमेश को सौंपा गया। इस काम को उमेश ने बखूबी अंजाम दिया और अपने टोले के निरक्षरों के साथ संपर्क गहरा करके उन्हें साक्षरता के महत्व के बारे में बताया, समझाया। उन्हें यह एहसास दिलाया कि पलामू जिला संपन्न होते हुए भी निरक्षरता के कारण गरीब है। उमेश ने मन बनाया कि मैं कुछ भी करके इस गांव से निरक्षरता का नामो निशान मिटा दूंगा। नवंबर 2006 में स्वयं सेवक का प्रशिक्षण लेकर उमेश इस साक्षरता अभियान में कूद पड़े। अपना गांव के पड़ोसियों के साथ कृषि मजदूरी करने का काम करता था। मजदूरी करने के दौरान हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, ढंग की मजदूरी नहीं मिल पाता था। इसी बीच अगस्त 2006 से यहाँ पर मैं अपने गांव के निरक्षरों को पढ़ाने का काम किया। उन्होंने इस सफर की शुरुआत कर दी और गांव के लोगों को इकट्ठा करके साक्षरता कक्षाएं लगानी शुरू की और धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। लोगों को कक्षाओं तक लाने के लिए उमेश ने कड़ी मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि एक एक करके ग्रामीणों को उमेश की बात समझ आने लगी और कक्षाओं में लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। शुरू में तो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। कहना हुआ कि हमारा उम्र तो बहुत बीत गया, 35 साल हो गया, किसी ने 30 साल 35 साल जो जिनका उम्र था, कहा कि अब हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ने से तो कुछ मिलना जुलना नहीं है। लेकिन इन लोगों से पढ़ाई के बारे में इन लोगों को बताया, ये लोग जब समझे कि पढ़ना जरूरी है तो एक दिन तो शुरुआत जब मैंने किया तो दो से शिक्षु आए। उमेश ने गांव वालों को उन बातों से अवगत कराया जिनसे वो आज तक अनजान थे, जैसे कि उनके अधिकारों के बारे में, गांव में चल रही अलग अलग योजनाओं के बारे में, अंधविश्वास से लड़ने और साफ सफाई जैसी चीजों के बारे में बताकर उन्हें ये एहसास करा दिया कि आप लोग किस अंधकार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लाभ की बातें बताया, समाज में भ्रष्टाचार है, कुपोषण है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, सभी चीज़ों पर जब मैंने चर्चा किया तब मेरे सेंटर पर जुटने का काम किया और इस तरह से तीसरा दिन 2 से 7 हो गए। उमेश में साक्षरता के प्रति जो लगन है वो देखते ही बनती है। एक छोटे से गांव में ये इंसान इस अभियान में एक युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उमेश ने अपनी बाकी जिम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ा। छोटे से गांव का रहने वाला उमेश अपना गुजारा खेतों में काम करके करता है। उमेश ने अपनी दिनचर्या में साक्षरता कक्षाएं चलाना शामिल कर लिया था। सुबह उठकर खेत पर जाना और खेतों में कड़ी मेहनत करना जिससे अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। घर और खेत का सारा काम खत्म करके फिर बारी आती है साक्षरता कक्षाओं में जाने की। वो तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपने इस साक्षरता मिशन की ओर और फिर कक्षाओं में पहुंचकर शुरू होता है ग्रामीणों को शिक्षित करने का ये सिलसिला, जहां महिलाएं और पुरुष दोनों ही बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। उमेश अभी तक अपने 10 गांव वालों को साक्षर कर चुके हैं और 25 लोगों को अभी भी साक्षर कर रहे हैं। 10 लोगों को ऐसे पूरा पूरा साक्षर कर दिया हूं और एक दो ठो ऐसे हैं जो बाहर हैं, वो नाम पता लिख लेते हैं लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन 10 एकदम पक्का हैं और इनके अंदर अपना हक कैसे लेना चाहिए, कैसे मिलेगा,
ये सब चीज़ों को जानते हैं। गांव में जितने तरह के गलत प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को छोड़ने का सबने फैसला लिया है। उनकी इस मेहनत और लगन को देखते हुए पंचायत साक्षरता समिति द्वारा उमेश के किए गए कार्यों को देखकर उन्हें एमटी बना दिया गया। लेकिन आज भी उनका पहला शौक लोगों को पढ़ाना ही है। एमटी प्रशिक्षण पाने के बाद उमेश को पंचायत के दो गांवों की देखरेख करने की जिम्मेदारी मिली है। यहां भी उनका मकसद एक ही है, पूरे टोलों को भी पूर्ण साक्षर बनाना। उमेश के इस कार्य को देखते हुए राज्यपाल द्वारा उन्हें राज्य में सम्मानित किया गया। इससे बाकी लोगों का उत्साह बढ़ा और वो प्रतियोगिता के भाव से काम कर रहे हैं। आज उमेश 21 वीटी को दिशा निर्देश देते हैं और सभी वीटी उनकी बात को मान सम्मान के साथ मानते हैं और मेहनत से काम करते हैं। उमेश राज्यपाल द्वारा दिए गए सम्मान को अपनी मेहनत का सिला मानते हैं। मुझे एक बार आदरी और प्रभात खबर की संयुक्त कार्यक्रम में महामहिम झारखंड के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया गया। मुझे मेडल और सर्टिफिकेट पाकर मुझे खुशी हुआ कि मैं अपने ग्रामीणों को पढ़ाया, इसका प्रतिफल मिल चुका। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी तो उन्हें काफी आगे जाना है। जब तक ये साक्षरता का कार्यक्रम चलेगा मैं पूरा पूरा सहयोग देता रहूँगा। अगर साक्षरता नहीं भी चले तो मैं अपने अंदर ये बैठा लिया हूँ कि अपने ग्रामीणों को, अपने टोला वासियों को मंजिल तक ही लेकर के छोड़ूंगा। उमेश का ये सफर यूं बुलंदियों पर पहुंचता रहे, बस यही दुआ करते हैं। गांव का हर बच्चा साक्षर होकर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो और एक नए विकसित और साक्षर समाज का गठन हो। उमेश ने तो अपने गांव के लोगों में जागरूकता कूट कूट कर भर दी। आज उसी का नतीजा है कि यदि गांव का कोई व्यक्ति मजदूरी भी करता है तो उसे मालूम है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी क्या तय की है। आज भी उमेश अपने इस नेक मकसद में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन साक्षरता कार्यक्रमों का इतना असर हुआ है कि पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी सफलता की ओर अग्रसर हैं। वो महिलाएं जो खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, मगर आज ये खेतों में काम ही नहीं कर रही बल्कि अपने घर में भी नए नए काम शुरू करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर चुकी हैं, और वो भी इन्हीं साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की महिला विद्या देवी की, जो गांव के साक्षरता केंद्र से साक्षर होकर राधा मंडल स्वयं सहायता समूह बनाने में सफल हुई। बात छतरपुर की है तो हम आपको बताते चलते हैं कि ये जिला भी निरक्षरता से जूझ रहा है। 1991 में इस जिले की साक्षरता दर मात्र 35.2% थी, जो 2001 में 53.44% हो गई, जिसमें महिलाओं की दर मात्र 39.38 थी। इसके बावजूद इसी जिले की कुछ महिलाएं साक्षर होते हुए समूह बनाकर आज अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुकी हैं। साक्षरता दर का ग्राफ साफ दर्शाता है कि देश की साक्षरता में बढ़ोतरी तो हुई है, मगर जिस गति के साथ होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। बात दूर दराज के निरक्षर पुरुष और महिलाओं की हो तो उन्हें साक्षर करने के वास्ते राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने न जाने कितने ही साक्षरता कार्यक्रमों का आगाज कर उन लोगों को साक्षर करने की पुरजोर कोशिश की और लगातार कर रही है, मगर कई जगह इन 15 से 35 वर्ष के नव साक्षर और उससे ऊपर की उम्र के लोगों ने वो रुचि नहीं ली जैसी लेनी चाहिए थी। ऐसे लोगों में साक्षरता के प्रति जागरूकता लाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के साथ नई नई चीजें सिखाने, स्वयं सहायता समूह खोलने जैसी बहुत सारी बातें बताई गईं, जिससे ये लोग साक्षर होने के साथ साथ अपने जीवन में और सुधार ला सकें। ऐसा ही एक गांव जैतुपुरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये गांव खजुराहो से थोड़ी दूर पर स्थित है। हम उसी खजुराहो की बात कर रहे हैं जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इन मंदिरों की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। खैर, वापस चलते हैं जैतुपुरा। जैतुपुरा भी निरक्षरता की मार झेल रहा था, जैसे दूर दराज के गांव झेल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जब छतरपुर जिले में साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, उसी के चलते इस गांव की किस्मत खुली और यहां साक्षरता केंद्र खोलकर निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने की कोशिशें शुरू की गईं।
पहले मैं शिक्षित नहीं थी, मुझे कुछ नहीं आया था। मैं दूसरे लोगों को देखती थी, मुझे लगता था कि मैं भी पढ़ना सीखूं, मैं भी कुछ जानकारी प्राप्त करूं, और जो सब देखती थी तो मुझे भी लगन होती थी हर चीज़ की। तो मैंने देखा तो यहाँ पे जो ये पढ़ना वाला स्कूल खुला था, तो हमने सोचा कि हम जाए, लेकिन जल्दी शादी हो गई थी तो सोचा, फिर घर से पूछा तो बोले ठीक है पढ़ लो। तो पढ़ने में रुचि भी हमारी बड़ी अच्छा लगा पढ़ना। 10 साल पहले हम अनपढ़ थे, हमसे कछु न बना तुम। फिर कही के सबका पढ़ाओ जा, हम कि ठीक है हम और को नाम लिखूँ, हमारा मैं पढ़ू लिखू सीखूँ, छोटा बड़ा सीखा। फिर धीरे धीरे इतना तक पढ़ी मतलब अपना नाम चिट्ठी चिट्ठी कुछ बांट लेते। हर महिला साक्षरता कक्षा में रुचि ले रही थी, मगर कुछ दिनों बाद नव साक्षरों में वो रुचि नहीं दिखी जो होनी चाहिए थी। इसकी मुख्य वजह एक ही थी, इनकी गरीबी, क्योंकि यहाँ के बाशिंदे मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और मजदूरी कर अपना पालन पोषण करते हैं, जिससे अब इनका मन काम करने के बाद पढ़ने जैसी चीजों में नहीं लगता। इस चीज को समझते हुए और गांव वासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए इन महिलाओं को इन्हीं कक्षाओं में स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ऐसे हुआ वो हम लोगों को संभव कि मतलब साक्षरता से हमको जी लाभ हो गया कि साक्षरता अगर हमने पढ़ा लिख लिया तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए, हम लोगों ने ये सब काम किया, तो हम लोग तो उसी को समझते हैं सब। उन्हें सारी चीजें बारीकी से बताई गई कि कैसे आप समूह बनाकर कुछ बचत कर अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। गांव की रहने वाली विद्या देवी को ये बात समझ आई और उन्होंने गांव की 8 महिलाओं को इकट्ठा कर समूह बनाया। विद्या देवी ने ही अध्यक्ष पद संभालते हुए अपने रोजमर्रा के खर्च से कुछ बचत कर बैंक में जमा करना शुरू किया। धीरे धीरे पैसा जुड़ता गया। इसके बाद बैंक ने पहली ग्रेडिंग के दौरान इस समूह की मदद करते हुए 25,000 रुपए का लोन दिया और इन महिलाओं ने फट्टी बनाने, थैले बनाने, झूले बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इनके इस कार्य में बढ़ोतरी होती चली गई। समूह की योजना निकली तो हम लोगों ने ग्रुप बनाओ 8 आदमियों को। फिर ग्रुप में हमारे इकट्ठे भाई पंचायत में प्रस्ताव डालो और फिर हम लोगों ने एक समूह बनाओ। समूह बना के हमारे खान लोन मिलो बैंक से। फिर लोन लेके हम लोगों ने माल खरीदो, वो माल बनाओ, फिर बेचन भी जान लगी, उसे हमें लाभ मिला लगा। 500 रुपये 1,000 रुपये ऐसे इकट्ठे कर करके जो कसी दिन 200 से जोड़े, 500 से जोड़े, फिर ज्यादा पैसा मिलने लगी तो हवा हवा जोड़ने लगी। ऐसे जोड़ा जोड़ा 1,000 रुपया जोड़ गए तो सब जन इकट्ठे कर करके सामान खरीदने लगी। सब जन ने सामान खरीद के इकट्ठा खरीदी, सब जन ने इकट्ठी बनाई। पुरुषों ने भी इनका साथ दिया और महिलाओं द्वारा बनाई गई फट्टियों को बाहर जाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे ये महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाती चली गईं और आज आलम ये है कि ये लोग इस सामान को ऑर्डर पर भी बनाते हैं। अगर किसी स्कूल को फट्टी की आवश्यकता है तो ये लोग उसे आसानी से बनाकर स्कूलों में भेज देते हैं। ये काम वो महिलाएं कर रही थी जो आज तक ठीक से एक कदम भी नहीं उठा सकी थी। जमीन पथरीली होने की वजह से किसी के पास खेती नहीं है, सभी लोग मजदूरी पर आश्रित हैं। मगर आज हालात बदल चुके हैं, ये सभी महिलाएं अपने घर में ही हाथों से फट्टी बनाने का काम करती हैं और उसके साथ साथ बहुत चीजें बनाती हैं। सीके हैं, फट्टी हैं, बिछाई हैं, फर्श भी हैं, बैग भी हैं, सभी प्रकार की चीजें बनाई और वो बेच। ये लोग आज अपने जीवन में एक अलग ही बदलाव ला चुके हैं। अब ये किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाते, अपनी जिंदगी को इन्होंने एक अलग रूप दे दिया है। इन महिलाओं ने सारा कच्चा माल बाजार से लाकर घर में ही सारी व्यवस्था कर रखी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम खत्म किया जा सके। आज महिलाएं सफलतापूर्वक अपने समूह को चला रही हैं और उसके साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसका सारा श्रेय जाता है जिला साक्षरता समिति को, जिसके जरिए ही साक्षर होकर आज अपने आप को ये लोग इस मकाम तक ला पाए हैं। न ये साक्षर होते और न ही इन्हें ये नए रास्ते मिलते। आज विद्या देवी के चर्चे हर गली मोहल्ले में सुनाई दे जाते हैं। समूह से जुड़कर इन महिलाओं ने अपने जीवन में खुशहाली लाने की जो कोशिश की, उसमें ये लोग बहुत हद तक कामयाब भी हुए।
गांव की बहुत सी महिलाएं आज विद्या देवी के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। मजदूर वर्ग की इस महिला ने आज अपनी मेहनत और लगन के साथ और साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से अपने साथ साथ पूरे गांव में एक परिवर्तन सा ला दिया है। विद्या देवी से सीख लेते हुए अगर देश के हर गांव की महिला और पुरुष अपने आप को इन साक्षरता कक्षाओं तक लाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही देश के हर कोने में साक्षरता का बिगुल बजता नजर आएगा। विद्या देवी ने तो अपनी मेहनत और साक्षरता कक्षाओं की मदद से अपने अंदर इतना आत्मविश्वास भर लिया कि आज वो सफलता के इस मकाम तक पहुंच पाई हैं। आज देश के हर कोने में न जाने कितने ही निरक्षर इन साक्षरता केंद्रों से साक्षर होकर अपने आप को इस लायक बना रहे हैं जिससे अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारा जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही निरक्षरों की कामयाबी की दास्तां को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं। पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है।